अच्छा, यंग लॉयर्स के लिए मैं कुछ चीज़ें जो है कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जो यंग लॉयर्स, हमारे वकील, हमारे भाई, हमारी बहनें इस प्रोफेशन में नए नए आते हैं, तो वो सर्वाइव करना चाहते हैं, वो क्लाइंटेज लेना चाहते हैं, वो केसेस लेना चाहते हैं ताकि वो अर्निंग करें और इस तरीके से जो है ना वो अपने मामला जो है आगे जो वो चला सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सीनियर्स हमारे जो हैं वो हमें आज भी ये चीज़ें बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन होती है कि जब जूनियर्स या यंग लॉयर्स स्पेशली जो है हमारी बहनें और भाई, वो ये देखते हैं कि हम जिनके पास काम कर रहे हैं तो वो लाखों रुपए में फीस जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो अगर वो लाखों रुपए में फीस वसूल कर रहे हैं तो उस वक्त दिल करता है कि हमें भी ऐसी ही फीस जो है वो मिल जाए। लेकिन उसमें एक चीज जो है वो मद्देनजर हमें रखनी चाहिए कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने 15 15 20 20 साल जो है इस प्रोफेशन को दिए होते हैं, और फिर एक खास अरसा के बाद आके जो है वो इतनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, वो हासिल कर रहे होते हैं। और बाज बात हमारे जहन में ये होता है कि अभी आए और अभी जो है वो छा जाए, तो ऐसा थोड़ा सा नहीं होता। आप छा सकते हैं लेकिन इट विल टेक सम टाइम, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके जो है आप मैक्सिमम फीस जो है वो ले सकते हैं। अब जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जिनको 15 15 20 20 साल प्रैक्टिस करते हो चुकी है और वो लाखों रुपए जो है कि केस की जो है फीस लेते हैं, अब उनका अगर आप देखें जब उनका स्टार्ट था तो उनकी क्या पोजीशन थी। आज के जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं जो बड़े फेमस हैं, ब्रांड हैं, नाम हैं, तो जब इनिशियल वो आए थे तो वो भी यंग लॉयर्स थे, उन्होंने भी इनिशियली इसी तरीके से जो वो काम किया और फिर आस्ता आस्ता बड़े। कैसे काम किया, मेरे कई सीनियर के साथ जो वो डिस्कशन हुई है, मेरा जाती भी एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे जो है वो इस प्रोसेस जो है वो गुजरे हैं और आज थोड़े बहुत हमारी जो है वो क्लाइंटेज बन गई है, हमारी इनकम जो है वो आ गई है, हमारे रेगुलर केसेस जो है हमारे पास हैं, हमारे रेगुलर क्लाइंट हमारे पास आते हैं। तो उसमें हम जब इस नुक्ते पे फोकस करते हैं तो देखते हैं कि कोई भी आज का सीनियर जो जब वो यंग था तो उन्होंने छोटी छोटी फीसिस से जो वो आगाज किया केसेस का, छोटा केस मिल गया उन्होंने उसको ना नहीं कहा, उन्होंने अगर 1,000 रुपये उनको फीस मिली है, 2,000 फीस मिली है, 5 10 हज़ार फीस मिली है, उन्होंने ले लिए और लेने के बाद जो वो काम कर दिए। जब काम कर दिए तो एक जो आपका क्लाइंट होता है वो कम फीस देता है और आप अगर उसको मुतमिन कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो फर्दर जो है वो आपकी मार्केटिंग करता है, वो लोगों के केसेस आपके पास लेके आता है। 1,000 या 5,000 जो इनिशियली आपको फीस मिल रही होती है वो बेसिकली वो ये आप ये मत समझें कि ये 5,000 है, ये 1,000 फीस है, आप समझें कि आपने इनिशियल स्टेज पे एक फैक्ट्री लगाई है, आपने एक फैक्ट्री लगाई है और उसको आपने कुछ टाइम देना है, आपने उसको कुछ टाइम देना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसको नॉरिश करना है, और आप देखेंगे कि 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद वही एक फैक्ट्री, वही एक कम फीस वाला क्लाइंट जो है वो आपको 2 4 ऐसे केस दे देगा जहां से आप जो है वो ज्यादा फीस हासिल कर सकते हैं। और ये जो क्लाइंट होते हैं अगर हम इनको रिस्पेक्ट दें और देखें तो हम ये देख सकते हैं, मान सकते हैं, और ये हमारा एक्सपीरियंस भी है, सीनियर का एक्सपीरियंस भी है कि ही इज नॉट अ सिंगल क्लाइंट बट अ फैक्ट्री। और जिस तरीके से फैक्ट्री वक्त के साथ साथ ग्रो करती है और आपको जो है वो पैसे देती है, वो आपको जो है वो हजारों लाखों की तादाद में फिर जो है वो आगे जो है पैसे देती है और आप उनको इनकम को जनरेट करते हैं और फिर वो ले लेते हैं, तो उसको एक फैक्ट्री, आप अपनी एक पाइपलाइन क्लाइंटेज की इस तरीके से बना ले कि आज एक आपके पास क्लाइंट है, आप उसके ऊपर फोकस करें, उसका नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिटेल अपने पास रख ले, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ले, उसको मैसेज शेयर करना शुरू कर दें, अच्छी अच्छी बातें शेयर करना शुरू कर दें। दूसरा क्लाइंट आया उसको भी उसी में रख ले, अपने मोबाइल में सेव करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दसवां, आहिस्ता आहिस्ता एक यंग लॉयर के लिए जब 6 महीने साल गुजरेंगे तो कम अज कम 50 100
कम फीस वाले क्लाइंट उसके पास मौजूद होंगे, उनकी लिस्ट मौजूद होगी। अब आप उन 50 या 100 जो लॉयर्स क्लाइंट आपके होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दें व्हाट्सएप के ऊपर, उनके साथ अच्छी सिटिंग कर लिए करें, तो वो आपकी जो है वो फैक्ट्रियां जो है वो रन करना शुरू कर देंगी और 2-3-4 साल के बाद आप देखेंगे कि आप उनसे जो है प्रोडक्शन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी, इन द फॉर्म ऑफ केसेस, और फिर आगे जो है ये काम जो है बढ़ता चला जाता है। और एक और चीज़ कि जब आप केस लेते हैं इनिशियली काम फीस पे, तो आप ये भी उसमें फोकस रखें कि चले ये केस मेरे पास आ रहा है तो चले थोड़ी सी फीस मुझे मिल गई है, लेकिन ये होगा कि इससे मैं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो शख्स है वो अपने पर्सनल केसेस से सीख रहा होता है। सीनियर से गाइडलाइन लें, केस तैयार करें, अदालत में जाकर जो है दायर करें, और उसके बाद जो उसका प्रोसीजर होता है वो सीनियर से गाइडलाइन लेके जो है उसको आगे चलाते चले जाए। जब आप उस फ्लो से प्रोसीजर से आप गुजर जाएंगे तो आपका केस जो है वो रेडी हो चुका होगा, आपका जहन मैच्योर हो चुका होगा, और नेक्स्ट इस किस्म का जब आपके पास केस आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग तो जब पहले होते थे तो जब जूनियर्स होते थे तो कोई भी सीनियर कोई फीस नहीं देता था, वो दे भी देता था खाना भी दे देता था, तो ऐसा हो जाता था। तो आप समझा करें कि आप जो है वो पैसे दे के खर्च करके जो है वो लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप पास क्लाइंट आता तो आप समझे कि थोड़ी फीस में भी आप जो है वो अपने क्लाइंट को जो है वो लेके आगे चल रहे हैं, और फिर आप अपने क्लाइंट जो ये मतलब एक छोटा सा फार्मूला और बड़ा प्रैक्टिकल फार्मूला है, और अपने क्लाइंट की आप जो है वो रिस्पेक्ट करें। हमारे एक टीचर थे मार्केटिंग के, तो वो कहा करते थे कि हम ये भी मुनासिब नहीं समझते कि अगर हम किसी मीटिंग में किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो हमारा पांव जो है वो भी अपने क्लाइंट की तरफ हो। कभी भी ऐसा ना करें, अपने क्लाइंट को हमेशा जो है रिस्पेक्ट दें, अपने क्लाइंट को रिगार्ड करें और उससे अच्छे तरीके से मिले, और लॉन्ग टर्म आप उससे रिलेशन डेवलप करें। कैसे? आप उससे फ्रेंडशिप कर लें, आप उससे दोस्ती कर लें। क्लाइंट से जब फ्रेंडशिप में बंदा आता है एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक एतमाद की फिजा जो है वो आ जाती है, और जब ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है तो वो एवर सारी जिंदगी जो है आपके साथ जो है वो अटैच रहता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और आपको केस अपने अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने जानने वालों के जो केस जो है वो रेफर करता चला जाता है। और इसके साथ साथ जो कभी भी फीस की बेस पे किसी क्लाइंट को नो मत कहें, ठीक है, हो सकता है कि वो क्लाइंट आपको कम फीस दे रहा है जैसे मैंने पहले गुजारिश की, लेकिन वो आगे जाके आपको रेफरेंस ऐसे दे सकता है जो आपकी कसर निकाल देगा और आप बेहतर पोजीशन में आके जो है वो करना शुरू कर देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, डिस्कशन होती रहती है, और मेरा यंग लॉयर्स के लिए ये बड़ा पैगाम है, मैसेज है, रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है कि वो जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करें ताकि आने वाले वक्त में जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो अर्निंग हासिल कर सके, और वो भी उन वकला में शामिल हो जाए जो आज ब्रांड है, जो आप नाम है। अब मेहनत तो करें, अब ब्रांड भी बन जाएंगे, आपको फेमस भी हो जाएंगे, आपको जजेस भी जानेंगे, आपको वकला भी जानेंगी, आपको बाहर के लोग भी जानेंगे, आपके हल्का अहबाब में भी लोग जानेंगे ही इज़ द प्रोफेशनल वकील और हम इसके पास जो है वो केस लेके जाए। और जब ये वक्त आएगा तो फिर आप देखेंगे जितनी आप फीस अपने मुंह से डिमांड करेंगी वो फीस आपको मिला करेगी, आप फिर जो है वो लाखों में एंजॉय करेंगे। और जो कि पौधा छोटा ही होता है, पहले बीज ही होता है, फिर आस्ता आस्ता जो वो दरख्त बनता है, तो इसी तरीके से आपकी फीसिस का भी, आपके क्लाइंट का भी है कि पहले थोड़ा सा, फिर आगे जो है वो ट्री और उसकी ब्रांचेज जो है वो शाखें जो है वो निकलती चली जाती है, और उस वक्त आप बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। इन चीज़ों पर लाजमी फोकस करें ताकि आपकी अर्निंग जो है वो बढ़े, इधर उधर टकरे ना मरे, इधर उधर मत जाए। जो है जो सीनियर आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं उनको फॉलो करें, थोड़ा सा मेहनत है और आपको टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपकी तुक्कों से भी जो है वो ज्यादा होंगे।